जीके के 10 टॉप 10 क्वेश्चन जिन्हें आप जो हर परीक्षा में आते हैं, इनको आप सुनिए और देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपको सब मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी जीके के क्वेश्चन देखने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? आप एक बार हमारे प्रश्न को फिर से दोहरा सकते हैं और या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बदायूनी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? दूसरा क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए दोस्तों, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा शंकराचार्य। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जी हाँ, सिराज हिंद, ये आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आप कौन सी तैयारी करते हैं, कौन सी भर्ती का आपने फॉर्म भरा है, आप हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए। इसका हमारा आंसर हो जाएगा जौनपुर। हमारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पुलकेशिन। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वो ये है, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो इसका हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में उसको पराजित किया था। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन हो चुका है। हमारा छठा क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन। ये है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग स्किल राउट किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कनिष्क ने ही भारतीय के महान रेशम मार्ग को मतलब आरंभ किया था। और हमारा सातवां क्वेश्चन है, गुरु रुक के नाम से कौन जाना जाता था? गुरु रुक, जी हाँ दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका उत्तर है सिकंदर लोधी को। और हमारा आठवां क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुलव का आरंभ किया? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश प्रभुलव, इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। और हमारा नवा क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? जी हाँ, नवा क्वेश्चन ये है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथ को। जी हाँ, और हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है दसवा, ये आपको बताता हूँ, ये है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जी हाँ, ये तो आप 10वीं 11वीं में आपने भी जरूर पढ़ा होगा। तो इसका तो सिंपल आसान है उत्तर, महावीर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जीके क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए साथ में। और आप किस तरह के जीके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं ये आपको हमें ये बताइए, जैसे आपके मैं और वीडियो लेकर आ जाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और